मेरे अति प्रिय यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। क्या आनंद खुशी में है आज का दिन आपके लिए आनंद और खुशी का दिन है। प्रभु कहता है तू आशीषित लोग है, तब आनंद के साथ रहना चाहिए ना। क्यों मन में उदास है, कहाँ दया मिलता, कहाँ आशीष है, ऐसे आप बहुत ही दुख के साथ है ना। लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में आनंद आशीष को देने के लिए चाहता है। आपको क्या कहना है, मत्ती 5 अध्याय की 7वें वचन में देखेंगे, धन्य है वे जो दयावंत है, धन्य है जो दया करते हैं, वे आशीष को जरूर प्राप्त करेंगे। क्या दूसरों पर आप दया करते हैं, जांच कर देखना। कोई मुझ पर मदद नहीं करते हैं, कोई मुझ पर दया नहीं करते हैं, ऐसे आप हमेशा कहते हैं ना। आप खुद को सोच के देखना है, आपका जहां काम करते हैं, जहां आप रहते हैं, जिस जहां में आप बिजनेस करते हैं, किसी ने आपके लिए मदद मांगा था लेकिन आपने उनके लिए नहीं किया, इतना दीन नम्र बन के उन्होंने आपसे मदद मांगा, क्या आपने उन पर दया दृष्टि दिखाई है, उनके लिए क्या आप मदद किया, उन पर आपने दया किया है, जांच के देखें। कुछ लोग अपने माँ से भी इतना कठोरता में रहते हैं, कहती है तू कह के जाओ बेटा, थोड़ा से आराम करो, लेकिन माँ की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, उन पर इतना गुस्सा करते हैं, कोई दया नहीं करते हैं। माँ बाप बच्चों पर दया नहीं करते हैं, बहुत ही कठोरता का साथ रहते हैं। जहां काम करते हैं अपने नीचे नौकरों पर दया नहीं करते हैं, दया नहीं करते तो परमेश्वर आपको ऊपर कैसे दया करेंगे। धन्य है जो दूसरे पर दया करते हैं, उन पर प्रभु दया करते हैं। आप दूसरों पर दया करने से आपके जीवन में परमेश्वर आपके लिए आशीष और दया दृष्टि को दिखाएंगे। अपने आप को जांच कर देखना, हे प्रभु मैंने अपने जीवन में दूसरों के लिए दया नहीं दिखाया है, प्रभु आज मैं अपने कमी को महसूस करता हूँ। अपने आप को आज महसूस करना, उस कमी को जांच कर देखना, इसलिए परमेश्वर के पास आना, प्रभु आज मैं सबसे दया दृष्टि दिखाने के लिए तू अनुग्रह करना। ऐसे करने से परमेश्वर आपके जीवन में दया करने वालों को दया करते हैं। आप दूसरों के लिए कितना मदद करते हैं वैसे ही प्रभु आपके जीवन में इतने आशीष को देंगे। जहां पर जरूरत है, जहां आपसे लोग मदद मांगते हैं, उन पर दया करना है। उस दया दृष्टि को दिखाने से परमेश्वर आपके लिए दया को दिखाएंगे। दया करने वालों पर परमेश्वर जरूर आशीष को देते हैं। आज परमेश्वर के पास आके अपने आप को सौंपना है, हे प्रभु जहां पर मुझे दया दिखाना था वहां पर मैं कठोरता का साथ रहा, इन बातों के लिए मैं आज हृदय का पूर्व से मैं क्षमा मांगता हूँ। तू मुझे दया दिखाने के लिए ऐसे मौका को दे, सबको पर दया दिखाना है और प्रभु सबको मैं मदद करना है मेरे जीवन में, ऐसे करने के लिए तू मुझको तू मदद करना। प्रार्थना करता हूँ इस कमजोरी को मुझसे दूर करना है, दया को दिखा के आशीष को प्राप्त करने के लिए तू मदद करना है। आप कभी कभी कहते हैं इतना कठोर व्यक्ति है मुझ पर दया ही नहीं करता, ऐसे परिस्थिति में आप कहते हैं ना, लेकिन आप दया दिखाने से आप पर दया होगा, आप दया दिखाने से आप पर दया दिखाएंगे ना। इसलिए आज ऐसे स्वभाव के लिए प्रभु से प्रार्थना करना, हे प्रभु यीशु के समान मैं भी औरों के लिए दया करना है और उनके लिए मदद करने के दिल को आज मुझे दे। आज मैं उस आशीष के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं अपने आप को अर्पण करता हूँ पिता, यीशु के नाम से प्रार्थना मानते हैं, आमीन आमीन।